सेंटर लुक ऑल ऑफ योर सेंटर मैं कितना ही लाऊंगा लुक सेंटर ट्राइपॉड लगाना यार ये परेशान है यहां पे देखिए मैं पता है ना कौन खड़ा है अपने बाजू में शैतान लुक सेंटर किधर बता मुझे तरफ से तुम्हारी तरफ डन ओके होल्ड 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 क्या बात है यार थैंक यू थैंक यू यस थैंक यू Thank you. Next. थोड़ा राइट में आइए सेंटर लुक थैंक यू होल्ड ऑफकोर्स बालवीर इतने सालों से इवॉल्व होता हुआ आया है जब 2012 में हमने इसकी शुरुआत की थी सो इट वाज अ लॉट डिफरेंट सिनेरियो इतना सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था लेकिन आज बालवीर जिस मुकाम तक पहुंच चुका है इट्स अ रियली जाइजेंटिक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज वी आर कमिंग बैक विद सीज़न 4 और कहीं ना कहीं हम सीज़न 3 की स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं बालवीर जब उसके फादर से मिलता है जिसके बारे में वो अनजान है और कैसे वो एक विलन बनते हैं कैसे आगिल उन्हें यूज़ करती है और कैसे काशवी बालवीर की मदद करती है सो दिस ऑल स्टोरी लाइन इज़ गोइंग टू एंड अप इन द सीज़न 4 एंड इट्स गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ यू काफ़ी नए इंटरेस्टिंग विलन्स आने वाले हैं इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आने वाले हैं एंड आई होप कि जिस तरह से बालवीर को प्यार इतने सालों से मिलता आया है टेलीविजन पर उतना ही प्यार एक्सक्लूसिवली अब सोनी लिव पर भी मिलेगा और बालवीर को इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया में भी जैसा प्यार मिलता है वैसा ही प्यार मिलता रहे ऑफकोर्स OTT आपको एक अलग एक्सपोजर देता है ताकि आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हर किसी के पास टाइम नहीं है कि स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक बैठ के शो देख पाए तो ऐसे में सोनी लिव पे आना आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपके पास जब भी फ्री टाइम है आप ट्यून इन कीजिए बालवीर आपके पास बालवीर आपके साथ होगा जब आप चाहेंगे सो दैट्स अ बिग USP वी हैव विद सोनी लिव और इस बार तो एक्सक्लूसिवली आ रहा है सो इट्स गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग ओनली फ्रॉम 6th मई यस बिकॉज अल्टीमेटली दिखाते हैं कि अच्छाई ऑलवेज विंस और यही लोग पॉजिटिविटी तो चाहते हैं लोगों की ज़िंदगी में बहुत दुख हैं ऑलरेडी और कुछ देखने की वजह से उनको अगर स्माइल आता है अच्छा लगता है तो देन दैट्स व्हाट इट्स सिंपल एनी स्टोरी दैट काइंड ऑफ शोज के जो बताता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है हम इतने टाइम से रामायण देख रहे हैं महाभारत देख रहे हैं कितने वर्जन्स में हम आज तक देख चुके हैं लेकिन हम फिर भी देखते हैं वही एक चाबी है सब
And that is what I think Balvi conveys through villains, through hero, through everything. And the most biggest part is कि एक ऐसा show जो पूरा family साथ में बैठ के देख सके without any age gap, कहीं पे किसी को शर्माने की ज़रूरत, किसी को डरने की ज़रूरत कि बच्चा ये नहीं देख सकता, वैसी कोई चीज़ नहीं है बालवीर में. आप पूरी फैमिली के साथ 7 to 70 हम कहते हैं पूरी फैमिली बैठ कर एंजॉय कीजिए और बालवीर के हर एपिसोड को मज़े से मानिए. इस बार सारे इमोशंस हैं. यस, मतलब ट्रेजिडी है इसके, इसमें बहुत सारा ड्रामा है, इसमें कॉमेडी है, इसमें एक्शन है, इसमें धोखाधड़ी है, इसमें शतरंज है, इसमें बहुत कुछ है. राइट देव, मोस्ट ऑफ द टाइम जब बालवीर जब शुरू हुआ था तब हम देखते थे कि जो बच्चे लोग हैं मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज के जो सुपर हीरो है उनको अपना आइडल मानते थे. right. उसके बाद बालवीर आया जो टेलीविजन में बहुत छाया. मूवीज की अगर हम बात करें, क्रिश जैसी एक बड़ी मूवी आई थी. right. तो वो जो सुपर हीरो का जो चेंज आया, उस तरह से बदलाव आया, हाउ डू यू सी? अब जिस तरह हम बोलते हैं कि बच्चे लोग का सुपर हीरो तो बालवीर कहते हैं या फिर क्रिश जैसी मूवी का नाम देते, तो वो चेंज इज रियली गुड. क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं मोदी जी, तो हमारे बालवीर की भी बात उसमें आती है. और अब बालवीर सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि ग्लोबली एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी बन चुका है. इंडिया में हिंदी में तो हम टेलीकास्ट करते ही हैं, लेकिन बालवीर सीजन 1 के एपिसोड्स आज भी काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में डब होके, साउथ अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, वहाँ पर आज भी दिखाए जाते हैं और लोग उतना ही प्यार करते हैं हमें. एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि इतना अच्छा किरदार मुझे निभाने का मौका मिला. एंड अब वो गैप नहीं रह गया है कि ये हॉलीवुड का सुपर हीरो है, ये एशिया का सुपर हीरो. इट हैज़ ऑल बीन जस्ट वन कंटेंट और आप कहीं पे भी किसी को भी देख सकते हैं और किसी से भी इंस्पायर हो सकते हैं. बट द बिगेस्ट थिंग अबाउट बालवीर इज इट इज़ फ्रॉम इंडिया. इट इज़ फ्रॉम द कंट्री विच इज़ ग्रोइंग रियली ग्रेट और जिसकी एथिक्स, जिसकी वैल्यूज, जिसका कल्चर आज पूरे वर्ल्ड में अप्रिशिएट किया जाता है. सो ऑफकोर्स बालवीर हैज अ मेजर यूएस. एज मोदी जी सेज, मेड इन इंडिया. मेड इन इंडिया, यस. यू टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर बिकॉज़ वी कैन सी योर पोस्टर. यू आर लुकिंग डिफरेंट इन द पोस्टर एंड राइट नाउ यू आर लुकिंग वेरी डिफरेंट. यू आर वेरी ब्यूटीफुल राइट नाउ. टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर, हाउ वी आर गोइंग टू सी योर कैरेक्टर. सो आगिल जो है वो मैं भी जब हमने शूटिंग फिनिश की उसके काफ़ी दिनों तक मुझे मेरा ही चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था. आई वॉज नॉट एबल टू डू दिस. आई टिल द टाइम आई डिडंट हैव ऑल दोज थिंग्स ऑन मी, आई वॉज लाइक नो आई एम नॉट ब्यूटिफुल. आई आइडेंटिफाइड विद द कैरेक्टर सो मच. तो आगिल जो है वो इस बार ना सिर्फ खतरनाक है पर वो शतरंज के खेल के तरीके से खेलेगी. अब यहाँ पर बहुत सारे नए विलन्स आ रहे हैं, कुछ मेरे लाए हुए हैं, कुछ नए हैं, और अंदर ही अंदर सब एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं. So for me, the still motto remains, how do I take Balvir away and how do I finish him? And this time, इस बार challenge बहुत ज़्यादा आने वाले हैं बालवीर के सामने. yes. मैंने ऐसा कोई trajectory नहीं छोड़ा, ऐसे कोई angle नहीं छोड़ा जहाँ से इनको इनके घर में घुस गई हूँ इस बार. So it has been quite a thing. yes, आपको yes. मज़ा आएगा इस सीजन में बहुत. well, challenges की बात करें, so attires की हम specially बात करना चाहेंगे, वो कितना challenging है carry करना. सो ऑफकोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम मी, बालवीर का जो आप पीछे पोस्टर देख रहे हैं, जो आर्मर है दैट्स क्वाइट हैवी एंड इट इज़ लाइक आपको पूरा स्ट्रेच कर लेता है. तो मेरी बॉडी वो हमेशा ऐसी रहती है. सो ड्यू टू दैट आई रियली गॉट बैड नेक पेन एंड ऑल ऑफ दैट. बट एज एन एक्टर जब आप सोचते हैं इस बारे में तो इट्स अ सेक्रीफाइस यू मेक, क्योंकि आपका जो किरदार है वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है. एंड इट मेक्स मी रियली प्राउड कि पूरी दुनिया में मैं एक ही हूँ जो एक कॉस्ट्यूम पहन रहा हूँ, जो इस कॉस्ट्यूम की मदद से लोगों को इंस्पायर कर रहा है, उनकी ज़िंदगी बदल रहा है. सो दैट चेंज द होल परसेप्शन फॉर मी. और थोड़ा बहुत पेन, ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशंस तो आ ही जाती है, बट एट द एंड इट्स ऑलवेज फन बीइंग एन एक्टर फॉर सच अ ग्रेट कैरेक्टर. फॉर मी 22 kg 22 किलो 14 घंटे रोज आई वॉज विद दैट. 1 किलो, 1 घंटे का ब्रेक में थोड़ा सा छोटा 15 मिनट 20 मिनट ऐसे ब्रेक मिलता था. लेकिन इन शॉर्ट बताती हूँ, मुझे हमारा एक फाइटिंग सीक्वेंस चल रहा था जिसमें मुझे दौड़ना था. डायरेक्टर ने कहा दौड़ो एंड एट अ पॉइंट यू आर सपोज टू जंप और जब लैंड करोगे तो ऐसे स्टाइल में आना है. ओके, वेरी इजी, जंप करना है, स्टाइल में आना है. मैं स्टाइल में आ जाऊंगी. आती तब जब जंप होता, जंप ही नहीं हुआ बिकॉज माय कॉस्ट्यूम डिडंट अलाउ मी टू जंप. सो इट वाज वेरी हैवी, माय बॉडी यूज्ड टू एक. इट वाज डिफिकल्ट, स्पेशली फाइट सीक्वेंस. यस, हार्डनेस बहुत डिफिकल्ट था, बट एंड ऑफ द डे वेरी हैप्पी टू लर्न समथिंग. Last what one? About
I was lucky enough to be honored to be like all of you all. So I'm very happy कि मैंने actually मुझे कपड़े वो मिलते थे जो आप पहन सकते हो, मैं पहनती हूँ real life में. तो मैं तो बढ़िया jeans top में घूमती थी और इन लोगों को rashes में देखती थी और मैं मज़े करती थी. हाँ, but of course no pain no gain. ज़्यादा glam दिखना था, दोनों जनों को ज़्यादा strong दिखना था, तो फिर करो. बिल्कुल अदिति. लास्ट में आप तीनों से जाना चाहूँगा, कहीं ना कहीं अभी फिल्मों का दौर भी चल रहा है, अगर कल चल के बालवीर पर फिल्म बनती है और आप तीनों को जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको बॉलीवुड स्टार में से किसी को अपना कैरेक्टर देना हो, तो आप तीनों को सोच रहे हैं? हम अपना खुद कर लेंगे, बॉलीवुड स्टार को नहीं देंगे. अगर देने तो किसे देना चाहेंगे? स्टिल आप करेंगे, दैट्स गुड. अगर फिर भी एक मौका मिलता हो कि आपको किसी एक्टर को ये कैरेक्टर देना हो, तो आप किसे देना चाहेंगे? तीनों क्या लगता है आपकी कैरेक्टर कौन अच्छा नहीं पाएगा? आप तो कर ही रहे हैं, आपको मौका भी जरूर मिलेगा, लेकिन अगर देना हो किसे देना? I cannot think of such in Bollywood. हमारे Bollywood में अपना character किसी को देना. I think Deepika just did something like that in Pathaan. I loved her in her catsuit. The way she fought it was quite nice. Katrina also did a good job in Dhoop. Me, what was that? Aamir Khan वाली movie थी जो? Dhoom 3. Yes. Dhoom 3. She did a good job in there. Deepika, for sure. I cannot think of anyone because I'm mostly a fan of retro heroes. So even if I can think of someone, it is Amitabh Bachchan ji. But still, if I think Devanand ji hai ya fir Rajesh Khanna ji hai, they all had such really great aura, and somewhere Balbir ke character ko justice dena in the big kya kehte bade parde pe. So yeah, it would be a great for them. Fir wahan action bhi romance hoga. Oh, exactly. I was thinking Devanand ji in armor. Yeah, like, yes. I've never seen him like that. Maybe Alia. अगर वो कुछ अगर आपके किरदार निभा दे तो किस तरीके से करते? जैसे आपने थोड़ा सा अरे बाप रे, ये तो सीरियसली बुलाया. सीरियसली ओके, दिल से बुलाया बालवीर आया. Of course, even I am waiting for that. Major. But the thing is, it's just science, and you cannot fast track it because it takes time. क्योंकि जब आप स्टारशिप की बात करके, it is the biggest starship, biggest rocket ever made. So उसे fly करने में time लगेगा, and it is still awaiting its first successful orbital test. So we are just awaiting update from SpaceX, Elon Musk and the team. बाकी हमारी meeting तो हर दो हफ्तों पे होती है, हम discuss करते हैं. We have a really great bonding with all the crew members, and I really hope हम जल्दी ही space travel करें और पूरी world को और inspire करें. Last message to friends, families, fans. We love you guys. Thank you so much for your love. आपने बहुत बार ऐसा हुआ कि इंस्टा पे मैंने कहा था आपसे कि आप छोड़िए, आपको क्या चाहिए, कैसे ट्विस्ट चाहिए. वहाँ से भी हमने काफ़ी कुछ लिया है. आपके लिए बहुत ही नए अंदाज में आ रहे हैं. इस बार बहुत कमाल का बालवीर 4 आ रहा है, तो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच अस ऑन Sony Live exclusively 6th May onwards. Yes, Balvir is going to change a lot of things, and the perception of your life, it is going to make a lot of positive change in your life, I can say. And Balvir season 1 has always been great, Balvir season 2 has been great, 3 has been great, and 4 is going to be great. So yes, greater. Yes, greater. So just keep watching Balvir now exclusively on Sony Live, and keep loving us, keep supporting us. Thank you so much. First of all, thank you so much for all your love, and please keep watching Balvir. Thank you. Thank you. Thank you so much. Jai Hind. Jai Hind.